खबर असम से है, जहां पर बाढ़ की वजह से तबाही जारी है और 28 जिले इस वक्त असम के बाढ़ से प्रभावित हैं। असम के 25 लाख लोगों पर बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। बाढ़ से अब तक 139 लोगों की मौत की भी खबर है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। पिछले एक हफ्ते से असम में यही स्थिति बनी हुई है। लाखों लोगों पर इस बाढ़ का असर है। 22 जिले ऐसे हैं जो अब तक प्रभावित हैं। 139, ये बड़ी संख्या है, 139 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत और बचाव का काम जारी है असम के अलग अलग हिस्सों में। ये सैलाब है, वो सैलाब जो असम में हाहाकार मचा रहा है, वो सैलाब जो पलक झपकते इमारतें निगल रहा है। असम में आई बाढ़ का असर आंकड़ों में भले ही घट रहा हो, हालात सुधरने की बात कही जा रही हो, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कुछ और ही बयां करती हैं। तबाही की ये तस्वीरें नलबाड़ी की हैं। यहां ये दो मंजिला इमारत देखते ही देखते सैलाब में समा गई। अब आप हादसे से कुछ वक्त पहले की ये तस्वीर देखिए। इन तस्वीरों में जो दो मंजिला इमारत नजर आ रही है वो दरअसल इलाके का पुलिस थाना है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कंक्रीट की ये इमारत भी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। कुछ सेकंड पहले जहां ये पुलिस थाना था वहां अब सिर्फ उसका मलबा रह गया है। बताया गया वहां बाढ़ की वजह से ऐसी कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन सिर्फ नलबाड़ी ही नहीं, सेंट्रल असम के कई दूसरे हिस्सों में भी सैलाब का सितम जारी है। ये तस्वीरें सिलचर की हैं। सिलचर उन इलाकों में से है जहां बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। यहां जिधर निगाह जाती है सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आता है। बाढ़ में मकानों की निचली मंजिल पूरी तरह डूब चुकी है और लोग छतों पर शरण लेने को मजबूर हैं। आने जाने के लिए भी सिर्फ नाव का ही सहारा बचा है। ये हालत तो 15 दिन हुआ, अभी घर में पानी उठने से हुआ। अभी यहाँ कितने लोग होंगे इस गांव में? ये 100 घर होगा। ये बोट में करते हम, नाव से। लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए सेना को मोर्चे पर उतारा गया है। सिलचर में सेना के जवान नावों पर सवार होकर लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। सैलाब में फंसे लोगों की सेहत की देखरेख के लिए भी सेना की मेडिकल इकाई को तैनात किया गया है। संपर्क कटने की वजह से राहत बचाव के लिए सेना के हेलीकॉप्टर्स भी उतारे गए हैं। सामने आई तस्वीरों में हेलीकॉप्टर राहत सामग्री, राशन और दूसरी जरूरी चीजों को बाढ़ पीड़ितों की छतों पर गिराते नजर आए। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने हालात का जायजा लिया। भवानीपुर पहुंचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा लोगों का हालचाल जानने के लिए खुद घुटनों तक पानी में उतर गए। बाद में उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और बचाव अभियान को तेज करने के लिए निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।